ਸੈਂਦਾ ਏ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਸੈਂਦਾ ਏ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਜਦ ਤੇਰੀ ਉੜਦੀ ਏ ਚੈਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਏ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਦਫਾ ਹੈ Baby, I've been falling for you. Ye jo teri yaad hai, marhaba hai, yaadi sab tera hai. 'Cause baby, I've been falling for you. बॉडी परफेक्ट है स्मूथ लाइक बटर ओह माय गॉड माय चिक्स हर बॉडी मेक्स मी हॉट वो अचानक से अंदर क्यों आ गया वो क्या सोचेगा मेरे बारे में मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ उसने ही तो डोर नॉक नहीं किया था मेरी इसमें कोई गलती नहीं है ओके मैं बाहर जाती हूँ तेरे कपड़े पहनकर बाहर आती है मिस्टर प्रिंस हाँ क्या चाहिए आपको वो बस मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में है मैं उन्हें अपनी ईमेल पे सेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझसे एक हाथ से काम नहीं हो पा रहा तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी ओके ते जंकुक के पास आकर बैठ जाती है और जंकुक से लैपटॉप ले लेती है कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है ये मेरे पास ही है लेकिन ये मेरे पास फर्स्ट टाइम थोड़ी ना बैठी है इसका परफ्यूम मुझे हॉट कर रहा है मिस्टर प्रिंस जो है वो अपने सपनों में खोए हुए हैं हाँ आप कहाँ खोए हुए हैं कहीं नहीं ये वाले डॉक्यूमेंट्स ओके किसे सेंड करने हैं नामजुन को उसकी ईमेल आईडी क्या है मेल में जाओ वो पहले से वहीं है मैं क्या इसकी गुलाम हूँ मुझसे ऐसे काम करवा रहा है ते की एल्बो जंकुक के हाथ से टच हो जाती है ओह मैं और ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ इसके टच करने से मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ मैंने तो बस इसकी बॉडी को सिर्फ हाफ मिनट भी तो देखा था दैट्स ऑल लेकिन अब कुछ और डिफरेंट फील हो रहा है जब ये मेरे पास होती है लेकिन ये ब्रैट ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो मिस्टर प्रिंस क्या हुआ पहले तो मुझे ऐसे बुलाना बंद करो क्यों क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ओह ओके तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूँ बस मुझे जंकुक बोलो नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती जो कहा है वो करो ओके तुम क्यों हंस रहे हो तुम जानती हो तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरा जॉन जंकुक का लैपटॉप टच किया है ओह इसमें कोई सीक्रेट है ऑफ कोर्स जॉन जंकुक का लैपटॉप है तो सीक्रेट भी बड़ा ही होगा बड़ा सीक्रेट अभी क्या प्लानिंग कर रहा है जब ये काम करने में कॉन्सेंट्रेट करती है तो बहुत क्यूट लगती है जॉन जंकुक तुम सच में पागल हो गए हो तुम उसी इंसान से प्यार करने लगे हो जो तुम्हें मारने आई है इन डॉक्यूमेंट्स में क्या है मेरी आर्मी की डिटेल्स तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर मैंने इन्हें चुरा लिया तो तुम नहीं चुरा सकती तुम इतने ज़्यादा श्योर हो हाँ ये तो सच में इंसान ही नहीं है पागल इंसान है ये तो क्या तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स कर दिए सेंड हाँ ओके फाइन फाइनली अब आराम करने को मिलेगा क्या हुआ कुछ भी नहीं तभी ते के पास एक कॉल आती है तो ते एक्साइटेडली कॉल रिसीव करती है हेलो हेलो ब्रैड होबी माय सनशाइन माय बेबी ये तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की थी ब्रैड सॉरी मैं काम में बिजी थी मुझे मिस किया हाँ आई रियली मिस यू ये जेहोब कौन है ऐसा लग रहा है कि ये उस जेहोब के बहुत क्लोज है ठीक है फिर ये बताओ तुम कैसी हो मैं ठीक हूँ तुम बताओ तुम कैसे हो अभी मैं भी ठीक हूँ जिन तुम्हारे साथ है नहीं वो मेरे साथ नहीं है क्यों तुम्हें कुछ कहना है उससे नहीं मैं बस ऐसे पूछ रहा था ओह ओके
मैं आज शाम कोरिया वापस आ रहा हूँ। वाओ ग्रेट, तो फिर क्या हम आज रात को मिल सकते हैं? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो फिर जल्दी आओ, अभी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं फोन रखता हूँ। हाँ, बाय। जंगकुक जेलिसी से लाल, 100% लाल हो गया था। तो नोटिस कर लेती है, इसे क्या हो गया, ये गुस्से में क्यों लग रहा है सडनली, इसे क्या हो गया। व्हाटएवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट इग्नोर हिम। इसने अभी मुझे इग्नोर किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आओ। ओके, तो पानी लेकर आती है, जंगकुक को देती है और जंगकुक पी लेता है। गुस्सा मत हो जंगकुक, इसे कुछ तो हुआ है, लेकिन मुझे क्या, जी हो पा रहा है, आई एम सो हैप्पी। मिस्टर प्रिंस, हाँ बोलो। मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, जाओ जाकर कोई काम करो। मैं जाना चाहती हूँ। फोन को देखकर सुपर हैप्पी हो जाती है, बट हमारा जो जंगकुक होता है उसका जेलसी लेवल डिक्लाइंड हो जाता है। मैं जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, बाय सर। ते रुको, लेकिन जंगकुक ते को नहीं रोक पाया, ते बार में जाती है। हे ब्रैड, होबी, ते होबी को हक करती है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो होबी? मैं भी ठीक हूँ। ओके चलो ड्रिंक करते हैं, हमें बहुत टाइम हो गया साथ में ड्रिंक किए हुए। हाँ चलो। आखिर वो गई कहाँ है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर, उस आदमी, क्या नाम है उसका, हाँ होबी, उससे मिलने जाने की। जंगकुक नामजून को कॉल करता है। हाँ बोलो जंगकुक, क्या चाहिए तुम्हें? उस ब्रैड को ढूंढो अभी, वो कहाँ है? कौन? ते? तुम उस लड़की के लिए इतने पागल क्यों जा रहे हो? हाँ, जैसा कहा है वैसा करो। जंगकुक नामजून के मुंह पे फोन कट कर देता है। कहाँ है वो? वो केटीएच बार में है। जंगकुक फिर से नामजून के मुंह पे फोन कट कर देता है। फिर से इसने मेरे मुंह पे फोन कट कर दिया? कमीना, वो मुझे समझता क्या है, मैं उसका नौकर हूँ? हाँ? ते और वो भी ड्रिंक करते हुए बात कर रहे होते हैं। वो भी, तुम जानते हो यहाँ बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ है जिमिन? क्या हुआ है जिमिन को? लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओके, ते होप एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी जंगकुक बाद में आता है। वो खुद ड्राइव करके आता है, इस वजह से उसकी चोट जो है वो खुल जाती है और ब्लड बाहर आने लगता है। जब वो बाद में आता है तो सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। ते भी जंगकुक को देख लेती है। जंगकुक, ये यहाँ क्या कर रहा है? वाओ, ये तो प्रिंस है ना? हाँ, ये यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन देखो, इनके राइट शोल्डर से खून बह रहा है। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि घर से बाहर मत जाना, तो फिर तुम क्यों गई? हाँ, तो ते इसके साथ रह रही है। ते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जाओ? नहीं जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। वेट, मैं, मुझे क्यों गिल्टी फील हो रहा है? तभी ते जंगकुक के शोल्डर को देखती है। जंगकुक, तुम्हारा ब्लड बह रहा है, बहने दो। डोंट चेंज द टॉपिक, तुम घर छोड़कर क्यों गई? हाँ, और ये आदमी कौन है? जंगकुक, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन पहले हॉस्पिटल चलो, तुम्हारा खून बह रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारी चोट खुल गई है, तुम खुद से कार ड्राइव करके आए थे? जंगकुक ने कुछ भी नहीं सुना था जो भी ते ने कहा, उसे बेहोशी होने लगती है। ते, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। ओके अभी चलो। जंगकुक बेहोश हो जाता है। जंगकुक उठो, उठो ना, क्या हुआ है जंगकुक? ये ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया है। वो भी, इसे हॉस्पिटल ले जाना, मेरी हेल्प करो ना, इसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ये इसकी फिक्र करती है। वो भी, हाँ ओके, लेट्स गो। मैंने इसे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। ते, तुम यहाँ तो इसे मारने आई थी ना, लेकिन तुम बदल रही हो। जंगकुक उठो ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। वेक अप इडियट। बात मानूंगी? इस ब्रैड ने इस वर्ड को कब से अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिया? ते,
ये ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करो। ये फिर से अब क्या हुआ इसे? इसकी वाउंड ओपन हो गई है। ये लड़का भी ना, ओके ओके मैं इसकी दोबारा से ट्रीटमेंट करती हूँ। ते फिर से जंकू के लिए वरीड होती है तो वो भी दोबारा से ते को नोटिस करता है। ब्राड तुम अपने शिकार के लिए परेशान हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। होप कि जल्दी सब ठीक हो जाए। डॉक्टर मैंने उसकी चोट की ड्रेसिंग कर दी है, उसका ध्यान रखो और हाँ दोबारा उसकी चोट खुलने मत देना, नहीं तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। ओके डॉक्टर। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये कौन है? हाँ ये मेरा फ्रेंड है। हाय आई एम योर होप, यू माय होप, आई एम जे होप, नाइस टू मीट यू डॉक्टर। नाइस टू मीट यू। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्योंकि मैं जब तुम्हें डॉक्टर बोलता हूँ तो इट्स फील वियर्ड, ऐसा लगता है कि मैं खुद पेशेंट हूँ। मेरा नाम लीजा है। ओके बाय गाइस। ओके डॉक्टर। हे ब्रैट, तुम उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो ठीक हो जाएगा। क्या, कौन परेशान है उसके लिए? उसकी चोट मेरी वजह से खुल गई थी, इस वजह से मुझे गिल्टी फील हो रहा है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। कौन ज्यादा सोच रहा है? तुम्हारे फेस पे लिफाफ लिखा हुआ है कि तुम उसके लिए परेशान हो। नो वे। ओके ओके मुझसे गुस्सा मत हो। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। क्यों, थोड़ी देर और रुको ना, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे एक काम करना है तो। ओके तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। गुस्सा मत हो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ओके कोई ज़रूरत नहीं है, गो गो यहाँ मत रुको। ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय। ते अंदर आती है, जंकू अभी भी बेहोश होता है। मैंने इसे क्यों बचाया? अगर मैं इसे नहीं बचाती तो ये मर जाता। मेरा दिल भी इडियट है, मुझे कैसे धोखा दे सकता है ये। जंकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और ते उसके पास बैठी होती है। ये देखकर जंकू को हैप्पी फील होता है। आह मेरा हाथ, आओ दर्द हो रहा है। जाग गए तुम, ठीक तो हो तुम? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, इस साइको को नहीं के अलावा और कोई वर्ड नहीं आता। जंकू उठने की कोशिश करता है। आउच, इडियट हो तुम, उठने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ मैं हेल्प करती हूँ। हाँ इडियट, क्या तुम मरना चाहती हो? उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगी मिस्टर प्रिंस, उस वक्त का इंतजार करो ते। इस रिएक्शन का क्या मतलब है? तुम मुझे हरा नहीं सकती, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। तुम्हें खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस है मिस्टर प्रिंस, कॉल मी जंकुक। ओके ओके, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो फिर क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? लीव इट। ते जंकुक को उठाने में हेल्प करती है। वाओ इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। व्हाट अ स्टूपिड हार्ट, उस इंसान से प्यार कर बैठा है जो उसे मारना चाहता है। मैं तुम्हें मारूंगी तो जरूर, अभी नहीं तो बाद में, उस टाइम का इंतजार करो। अच्छू, तुम मुझे कस कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं जानता हूँ इज्जत, तुम ही मुझे कस कर रही हो। इसे पता तो नहीं चल गया मैं ही इसे कस कर रही थी। एनीवेज नेवर माइंड। तभी जंकू को एक कॉल आती है। हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, फोन बज रहा है, मेरी कॉल करो, मेरी कॉल रिसीव करो। दिस बॉसी प्रिंस, स्पीकर पे डालो। जंकू कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। सो केयरिंग। जंकू सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ, सॉरी नामजुन मैं हॉस्पिटल में हूँ तो इसलिए मैं अभी घर नहीं आ सकता। क्या हुआ तुम्हें? ये सब उस ब्रैट की वजह से हुआ है ना? हाँ नहीं, मैंने बस दोबारा से अपने हाथ को हर्ट कर लिया था। इसने झूठ बोला? तुम हमेशा केयरलेस क्यों रहते हो? हाँ तुम तो मुझे जानते ही हो। चलो इस टॉपिक को खत्म करो और बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया। एक्चुअली मैं किसी काम से अब्रॉड जा रहा हूँ तो क्या मुझे जाने की परमिशन है? नहीं जंकू, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। ओके सिर्फ दो दिन? यू मॉन्स्टर, कम से कम मुझे 4 दिन लगेंगे। नहीं मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ 2 दिन दूंगा, अब फोन रखो। यू ओके व्हाटएवर, अपना ध्यान रखना, बाय। ओके बाय, जाओ जाकर डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। क्या तुम्हें आराम करना है?
जस्ट गो, जो कहा है वो करो। जंगकुक मुझे डाउट है। क्या वो कुछ नहीं, रहने दो। टेल मी इडियट, मैंने कहा ना रहने दो तो तुम बस रहने दो। यू ब्रैट, दिस बास्टर्ड, ये हमेशा मुझे काम ही देता रहता है। क्या सोच रही हो तुम? कुछ भी नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने ही माइंड में डांट रही होगी। नहीं तो एनीवे मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, मेरा एंजॉयमेंट और मेरी नींद हराम करके अब खुद आराम से सोने चला गया। आई रियली हेट हिम।